वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस समय हम घूम रहे हैं ग्वालियर के इस किले में, जो कि आप देख ही सकते हैं। ग्वालियर के किले में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और ग्वालियर के किले का फ्रंट गेट इस तरह है, जो आप देख ही सकते हैं। और फाइनली रोशनी के कारण थोड़ा पिक जरूर ब्लर मार रही होगी। और उसके बाद देखिए ऊपर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अभी हम आपको दिखाएँगे पूरा किला और चलते हैं वो हम उस किले की ओर और दिखाएँगे कैसा बना है। दोस्तों देख ही सकते हैं ग्वालियर का किला कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, और जो कि अब हम जा रहे हैं। और फाइनली बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है ये ग्वालियर का किला, और फ्रंट गेट इस तरीके से है। और यहां से आप चढ़ के पूरा ग्वालियर देख सकते हैं। और इसी के साथ ही देख सकते हैं कितने लोग यहां पर घूमने आए हैं। फाइनली हम भी चलते हैं आगे, देखते हैं हमको क्या क्या देखने को यहाँ पर मिलता है ग्वालियर किले में, क्योंकि मैं इस टाइम फर्स्ट बार आया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब तो देख ही सकते हैं किस तरीके से पत्थरों में यहाँ पर गुफा बनाई गई है। और ये पत्थर देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, माइक भी लगे हुए हैं। पूरा पहाड़ कर काट को बनाया गया है। तो आप देख ही सकते हैं पूरे इस किले को, और फाइनली देख ही सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है। जैसे कि मैं धीमे धीमे बढ़ता जा रहा हूँ और फाइनली थक भी गया हूँ, और काफ़ी ऊँचाई है यहाँ पर। तो अब आगे भी चलते हैं आगे और देखते हैं किले किस प्रकार से बना हुआ है और कितना हमें आनंद आएगा देखने में। चलिए हम आपको दिखाएँगे पूरा। फाइनली दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ से दिखेगी पूरी आपको ग्वालियर, और जैसा कि मैं किले पर हूँ इस समय, और यहाँ से पूरी ग्वालियर दिख रही होगी आप लोगों को। फाइनली दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं किले के गेट में, और ये है फ्रंट गेट जो कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही हम चले गए अंदर और देखते हैं यहाँ पर कैसा लगेगा। तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और हमें एक दोस्त भी मिल गए हैं, और मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देख रहा है कैसा पसीना आ रहा, प्यास भी ज़्यादा लगी है। तो हम इस भाई के साथ जाएँगे और दोनों लोग घूमेंगे इस समय पूरा किला, चलिए आपको दिखाएँगे। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो भूल भुलैया कहाँ पर है ये बना है, आप देख ही सकते हैं ये भूल भुलैया। और यहाँ पर लेना होगा हम लोगों टिकट, और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, ये मुझे भी पता नहीं है, कैंटीन है शायद, नहीं टिकट काउंटर है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे फ्रेस पॉइंट फ्रेस करने, और इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, और पानी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। उन्होंने ऑनलाइन टिकट लेने के बाद आप करेंगे किले के अंदर एंट्री, और देखेंगे वहाँ से लिया हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं भूल भुलैया। तो हम लोग इस समय भूल भुलैया में घूमेंगे भी हैं, और साथ में दोनों लोग घूमेंगे इस किले में। किले में तो नहीं कहेंगे पर भूल भुलैया है, और यहाँ पर थोड़ा पिक क्लियर नहीं आ रही होगी। हम लोग चल रहे हैं भूल भुलैया के अंदर और देखेंगे कितना मज़ा आएगा यहाँ पर ग्वालियर में। फाइनली ग्वालियर में इस समय हम घूम रहे हैं भूल भुलैया में। तो इस समय हम चलेंगे इस गेट से अंदर, एंट्री मारेंगे, और इस गेट से हम अंदर आ चुके। और फाइनली आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए भूल भुलैया के लिए दरवाजे बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और लीजिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भूल भुलैया में, और ये है भूल भुलैया यहाँ पर, ग्वालियर का भूल भुलैया, जो कि आप देख ही सकते हैं। आप लोगों ने अभी सुना होगा इमाम वाड़े का, कानपुर का। और ये देखिए अब हम लोग अब कहीं से भी जा देंगे पता ही लगेगा कहाँ निकलेंगे। ये देखिए लोग यहाँ पर ले रहे हैं भूल भुलैया का पूरा मज़ा, और यहाँ से जाके देख सकते हैं पूरा ग्वालियर देखिएगा। और फाइनली हम लोग यहाँ पर बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम। तो देख ही सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर व्यू है। चुके हैं भूल भुलैया में, और यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं व्यू यहाँ पर किस प्रकार से है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोग चल रहे हैं, फाइनली हमें एक भैया ने बताया कि ये भूल भुलैया नहीं है, और हम लोग जाते हैं ये मानसिंह पैलेस है।
तो हम लोग इस गुफा के अंदर अब अंदर जा रहे हैं और फाइनली ये देख सकते हैं, ओ यहाँ पर अंदर आ चुके हम लोग अंधेरे में। फाइनली देख ही सकते हैं दोस्तों कितना अंधेरा है यहाँ पर, और ये लाइट के लिए लाइट यहाँ से फ्लैश मारती होगी तो जिससे सूर्य की किरणें यहाँ पर आ जाएं, इसी के लिए यहाँ पर दर्पण लगाया जाता होगा कि यहाँ से पूरी बोल गए सूर्य की किरणें यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा किला है यहाँ पर, और कि नहीं हमें भी जानकारी, और ये हमारे दोस्त हैं जो हमें पूरा घुमा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे तो यहाँ कुछ पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ निकलना है, फाइनली हम इस दोस्त के साथ अपने घूम रहे हैं और फाइनली दोस्त ने हमें पूरा घुमाया यहाँ पर, तो आगे भी देखते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हैं ये बना है ग्वालियर का जो है मानसिंह महल है, और यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, और फाइनली हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर तो हम घूम आए हैं, जो आपको दिखाया था वो मानसिंह पैलेस था, इसे मानसिंह महल था इसे, और इसके बाद चलते हैं आगे और फाइनली आगे हमें क्या मिलेगा।